तो अभी सब ये गाड़ी जो आपने पूरा स्कूटी पे प्लस का पूरा देख रहे हो, आप इसमें वायरिंग का काम ये वीडियो के अंदर सीख सकते हो। इसलिए जो वीडियो को है, अगर आप शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको बराबर पर्फेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे था है कि आप चेक करने जाओगे तो बहुत चीज़ ओपन करना पड़ता है। जिस तरीका मैं वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, इस तरीका आप अगर चेक करोगे तो आपको इजी से प्रॉब्लम को मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप स्कूटी पेप या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम अगर हुआ तो आप उसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने टेप टू टेप बताया हूँ, उसी तरीका अगर आप काम करने जाओगे तो आपको जो गाड़ी के अंदर ऐसे वायरिंग है और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है वो इजी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये वीडियो जो है आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास स्कूटी पेप प्लस, इसको पूरा मैंने अभी ओपन किया हूँ। किस चीज़ के लिए ओपन किया हूँ उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, कैसे आपको उसको चेक करना है। पहले गाड़ी का नाम देख लीजिए, स्कूटी पेप प्लस ये गाड़ी का नाम है। और इसमें प्रॉब्लम क्या दे रहा था गाड़ी के अंदर, कि जो गाड़ी है न सेल्फ स्टार्ट हो रहा था और न उसमें हॉर्न बज रहा था। जैसे आपका हॉर्न और सेल्फ स्टार्ट अगर नहीं हो रहा है तो आपको जैसे फर्स्ट टाइम क्या चीज़ चेक करना चाहिए आपको, तो जो हॉर्न का ये जो हॉर्न का बटन है ये निकालना है। ये निकाल के इसको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट जैसे दोनों सॉकेट जो सॉकेट निकालोगे उसमें दो वायर लगाना है, उसको बोलते डायरेक्ट, उस तरीके से उसको डायरेक्ट करना चाहिए। और जो होता है स्टार्टर का बटन, अभी इसको मैंने स्टार्टर का बटन का जो है इसका कनेक्शन निकाल दिया हूँ। कनेक्शन निकालने के बाद इसमें देख लीजिए, मैं डायरेक्ट किया हूँ, ये देख लीजिए ये दोनों कनेक्शन डायरेक्ट है। और इसका जो होता है जैसे ब्रेक स्विच, अगर ब्रेक स्विच दोनों ख़राब रहेगा तभी भी आपका गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें भी डायरेक्ट किया हूँ। देखो, एक कनेक्शन यहाँ लगा हुआ है, एक कनेक्शन यहाँ लगा हुआ है। और इसमें मैंने चेक करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वायर लगाया हूँ, कि हमारे पास बल्ब का होल्डर लगा हुआ है। इसमें देखो, बल्ब नहीं चालू है, इग्निशन स्विच चालू है। जैसे ये गाड़ी का खाली दो चीज़ का यह प्रॉब्लम था कि हॉर्न और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था, और जो राइट और लेफ्ट में कभी करेंगे तो हेडलाइट बंद चालू हो रहा था, शॉर्ट सर्किट होता, जलने की बास मार रहा था। तो ये भी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। पहले तो आपको मैं इसका जो हॉर्न है और जो इसका स्टार्टर का बटन जो काम नहीं कर रहा है, किस लिए काम नहीं कर रहा है आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये देखिए, वायर यहाँ से जल गया हुआ, कहाँ से जला हुआ है अभी आपको मैंने इधर ओपन किया था, बाहर निकाला हूँ मैं। ये वायर यहाँ से ये ऐसे लगा हुआ था। इसमें हैंडल क्या होता है, हैंडल राइट लेम में घूमता है, घूमते घूमते इसमें क्या होता है, रगड़ खाता है। ये वायर यहाँ से ऐसे गया हुआ रहता है इधर, ये देख लीजिए ऐसे। तो अभी इसको मैंने पूरा ओपन कर दिया हूँ, पूरा देखो जला हुआ है। तो इसको मेरे को वायर नहीं चेंज करना है अभी। ये देखिए, आपको मैं आपके सामने निकाल दे रहा हूँ, देखो काट निकल गया, पूरा जल गया हुआ है। तो इसको जो जला हुआ है अभी इसको वापस निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि जो वायर होता है आपको बता रहे हो, वायर यहाँ से लगा हुआ रहता है। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा जो जला हुआ वायर है बाहर कर दिया हूँ। अभी इसमें से एक कनेक्शन मैं लूँगा, पहले लेने से पहले आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कि ये जो बल्ब, देखो अभी बल्ब चालू नहीं है, इसका वायर कनेक्शन मैंने कहाँ से देखो लगाऊंगा अभी इसको। अब मैंने पूरा टोटल चेक कर लिया हूँ, जैसे यहाँ से भी कभी शॉर्ट होता है तो यहाँ शॉर्ट होने के बाद क्या हुआ है, इसके अंदर से भी शॉर्ट हो गया जहाँ से सॉकेट बैठता है। अब ये सॉकेट मैंने ये राइट साइड में निकाला हूँ, ये सॉकेट लेफ्ट साइड में रहता है। उसका भी वायर देखो पूरा यहाँ से जल गया हुआ है, ये देख लीजिए पूरा जला हुआ है। अभी मैं इसमें एक वायर ज्वाइंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको वायर ज्वाइंट करके। दोस्तों देखो, मैंने वापस से पूरा एक कट कर दिया हूँ, कट करके दूसरा वायर ज्वाइंट किया हूँ। अभी मैंने इसमें टेपिंग नहीं किया हूँ, खाली आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में पूरा फिटिंग करने से पहले पूरा अच्छी तरह इसको टेपिंग करूँगा। टेपिंग करने के बाद फिर गाड़ी फिटिंग होगा। ऐसे अगर रखूँगा तो पूरा वापस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए अभी वापस तो आपको दिखाने के लिए खाली ये दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये सॉकेट है जो वायर जला हुआ है, इसका वायर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ। अभी इसमें मैंने
अभी सॉकेट फिटिंग करूंगा। ये देख लीजिए पूरा, मैं यहाँ से पूरा ऐसे निकाल दिया हूँ क्योंकि अंदर भी देखो ये सब इसमें जल के पकड़ा हुआ था। अभी जो वायर को मैंने छील के लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए कलर तीनों कलर एक ही है, तो एक ही मैंने ज्वाइन किया हूँ। अभी जो वायर मैंने नीचे से लेके आया हूँ इसमें, ये देख लीजिए एक अभी देखो सेल्फ स्टार्ट हो गया हुआ है क्योंकि यहाँ से मैंने कनेक्शन दिया हूँ, इसलिए सेल्फ स्टार्ट हो गया गाड़ी को। सेल्फ स्टार्ट किस लिए हो रहा है कि जो बटन है मैंने अभी डायरेक्ट पे रखा हूँ इसलिए स्टार्ट हो रहा है। वायर छुपाने का भी इसको जो वायर का जो कनेक्शन है अभी इसको मैं ये देखिए निकाल दे रहा हूँ। अभी हॉर्न, अभी देखो हॉर्न, देखो हॉर्न भी बज रहा है। अभी आपको लाइट दिखा दे रहा हूँ, देखो लाइट लाइट बंद है। यहाँ कनेक्शन ज्वाइंट करूँगा लाइट चालू हो जाता है, ये देखिए। अभी ये जो कनेक्शन होता है जब चाबी चालू करोगे, चाबी चालू होने के बाद कनेक्शन चालू हो जाता है। आपको जैसे गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, इसी तरीके आप चेक कर सकते हो। अभी देखो बंद है गाड़ी, चाबी ऑन कर रहा हूँ। चाबी ऑन करने के बाद मैंने वायर लगा दे रहा हूँ, देखो ये देखिए वायर लग गया हुआ है और बल्ब चालू हो गया। बल्ब कहाँ से चालू हो रहा है, जो ब्रेक स्विच होता है उसमें मैंने डायरेक्ट यहाँ से दिया हूँ, इसलिए मैंने चेक करने के लिए होल्डर बनाया हूँ कि वायर से शॉर्ट सर्किट नहीं चेक करता हूँ मैं, इसलिए अभी चेक करना चालू से होल्डर लगा के चालू करना चाहिए, चेक करना चाहिए उसका जैसे कहीं से जहाँ से करंट नहीं आ रहा है। जब चाबी चालू करोगे कभी भी आपको अगर हॉर्न नहीं बज रहा है, पहले हॉर्न में अगर करंट चेक करना है तो ये देखिए अभी मैंने चाबी चालू किया हूँ, पहले हॉर्न बजा के आपको दिखा दे रहा हूँ तो हॉर्न बज रहा है। इसमें एक वायर जब चाबी चालू करोगे, चाबी चालू करने के बाद एक वायर में डायरेक्ट करंट आता है, देख लीजिए ये देखिए ये बल्ब चालू हो गया। ये आपका बता दिया हॉर्न का और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो गाड़ी हो रहा तो उसका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गया था। इसका वायरिंग जल गया हुआ था इसलिए सेल्फ स्टार्ट और हॉर्न नहीं बज रहा था। अब इसमें बताने जा रहा हूँ कि जो हेडलाइट राइट और लेफ्ट में जब करते थे, हेडलाइट बंद और चालू होता है किस लिए होता है, इसका भी वायर यहाँ से सब पूरा वायर आया हुआ रहता है। इसमें भी देखो वायर अंदर पूरा छिल गया हुआ है, इस छिले की वजह से क्या होता है, जो ऊपर ये सिलो रहता है इस छिल गया है, उसे तार दिखता है अंदर से, देखो तार दिख रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें जब बॉडी में टच होता है तो लाइट बंद और चालू होता है। तो इसका भी अच्छी तरह से इसका अगर टेपिंग आपको करना है तो यहाँ से जो टेपिंग होता है यहाँ से और इधर तक थोड़ा से ज़्यादा टेप मारना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब रगड़ेगा तो इसमें टेपिंग ज़्यादा रहेगा, नहीं तो आप इसमें सिलू भी मार सकते हो या टेप ज़्यादा मार सकते हो, दो तीन राउंड इधर टेप मारना चाहिए। उसके वजह से क्या होगा कि राइट और लेफ्ट में ज़्यादा करोगे तो जैसे वायर कटेगा नहीं। राइट और लेफ्ट में जब गाड़ी जब चलती है राइट लेफ्ट में तो होता ही है, तो ज़्यादा टेपिंग किए रहोगे तो या सिलू लगा रहोगे तो उसमें जल्दी कटेगा नहीं वायर सिलो लगाने से। अभी दोस्तों आपने सभी देख लिया, अभी इसको पूरा अच्छे से इसको टेपिंग करना है। टेपिंग करके फिर इसको पूरी मतलब गाड़ी को जो ओपन किया हूँ पूरा इसको फिटिंग करना है। जैसे मैंने आपको मेरा तरीका यह है चेक करने का, जैसे मैकेनिक का तरीका होता है अलग अलग चेक करने का, मेरा तरीका यही है चेक करने का। बटन पहले चेक करना चाहिए, पहले ब्रेक स्विच चेक करना चाहिए, फिर बाद में आगे जाके वायरिंग चेक करना चाहिए। तो जो वायरिंग का बता रहा था पूरा वायरिंग मैं अच्छी तरह से कर दिया हूँ, अभी पूरा फिटिंग नहीं किया हूँ, अभी बाद में मैं फिटिंग कर दूंगा। आपको पहले वायरिंग जो शॉर्ट हुआ है इसमें फ्यूज सिस्टम नहीं था, फ्यूज सिस्टम था तो मान लो फ्यूज निकाल के उसको वायर को डायरेक्ट किया हुआ था, तभी आपको मैं इसको जो गाड़ी को है चाबी चालू करके देखिए हॉर्न बज रहा है और सेल्फ स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, रेलवे सेल्फ स्टार्ट हो रहा है परफेक्ट और हॉर्न भी बजने लगा। और इसमें एक जैसे आपका हेडलाइट नहीं चालू हो रहा है, हेडलाइट का भी फ्यूज सिस्टम दिया हुआ है, ये देखिए हेडलाइट का फ्यूज है। ये फ्यूज जब हेडलाइट ओपन करोगे तो इसके अंदर फ्यूज लगा हुआ रहता है। ये आपका हेडलाइट कभी बंद हो गया, कभी इसको शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हेडलाइट का जो ये होता है फ्यूज उड़ जाता है। तो जब उड़ेगा तो आपको देख लेना चाहिए कहीं से वायर शॉर्ट नहीं है, ये हो गया हुआ है हेडलाइट का फ्यूज। अब इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बैटरी का जो होता है, जो वायर कनेक्शन आता है बैटरी से उसका फ्यूज आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आता है, ये देख लीजिए यहाँ आता है, इसमें डबल फ्यूज आता है,
जैसे स्कूटी पैप में किसी में डबल है किसी में सिंगल है, तो इसमें डबल है, एक जो देखो स्विच सिस्टम लगा हुआ है और एक नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए एक नहीं लगा हुआ है। जो नहीं लगा हुआ है इसका वायर जो आगे दिखाया था वायर पूरा जल गया हुआ था, तो इसमें अभी इसमें भी मैं दूसरा ला के फ्यूज लगाऊंगा, तो इसका जो प्रॉब्लम अगर कभी वायरिंग जलेगा जैसे शॉर्ट होगा तो फ्यूज फटाक के उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ने की वजह क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कहीं से हो रहा है इसलिए फ्यूज उड़ जाता है। तो आपके गाड़ी में अगर समझ लो फ्यूज नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन किया है, तो इसको डायरेक्ट निकाल के आपको फ्यूज ये जो होता है पूरा बॉक्स मिलता है, ये छोटा वाला ये जो दिख रहा है आपको पूरा फ्यूज बॉक्स मिलता है। आप कोई भी जैसे बाइक के दुकान में जाकर फ्यूज बॉक्स बोलोगे पल्सर का या एक्टिवा का या स्कूटी पैप का, जिससे आपको नहीं मिल रहा है तो आपको इसमें एक्टिवा का भी लगा सकते हो और पल्सर का भी लगा सकते हो, इजी से दुकान पे मिल जाता है।